द इंडस स्कूल सिस्टम की जानिब से ट्री प्लांटेशन एंड साइंस डे मनाया गया। सच्चल गोड में द इंडस स्कूल के सीईओ महबूब अब्बासी और प्रिंसिपल मोहम्मद मुनवर खान ने बच्चों के हमरा स्कूल में पौधा लगा के ट्री प्लांटेशन का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद बच्चों की जानिब से बनाए गए मुख्तलिफ साइंसी मजामीन और प्रोजेक्ट पर महबूब अब्बासी को ब्रीफिंग दी। बच्चों और असाज़ा ने एकता टीवी से बात करते हुए कहा कि ट्री प्लांटेशन से हमें पता चलता है कि उनको अपने हाथों से प्लांट करके और बड़ा होते हुए देखकर एक अलग ही खुशी महसूस होती है और ये माहौलियात को भी आलूदा होने से पाक करने में मदद देते हैं। असल में अल्हम्दुलिल्लाह इंडस स्कूल सिस्टम हर साल जो है ये इस तरीके की कैरिकुलम एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करता है ताकि जो बच्चे हमारे पास मौजूद हैं उनके फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। वो फील्ड जो बच्चे चूज़ करना चाहते हैं अपने तौर पर, तो वो उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं और आगे बताते हैं कि हम ये फील्ड के अंदर निकल सकते हैं। ये सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टाफ जो टीचर्स मौजूद हैं, एक टीम वर्क हुआ और उसके ज़रिए से जो है ये तमाम काम मुकम्मल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाती हूँ, 3, 4, 5 मतलब प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाती हूँ और बाकी यहाँ आप सब जो देख रहे हैं आज, ये हमारी मेहनत है जो हम 2-3 मंथ से बच्चों को तकरीबन ये काम करवा रहे हैं। और इसके अलावा हम तो यही चाहते हैं कि ऐसी किस्म की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चों के जो शार्प माइंड हैं, उनके अंदर जो स्किल्स छुपे हुए होते हैं वो इन्हीं चीज़ों में ही बाहर आते हैं, आर्ट से ही बाहर आते हैं। तो इस किस्म की लाजमी मतलब होनी चाहिए एक्टिविटीज़ हमारे लिए। मैं तो 100% मुतमईन हूँ क्योंकि इन बच्चों ने अपनी बिसात से बढ़ के जिस तरह काम किया है, मेहनत की है, दिन रात इन लोगों ने जो लगाए हैं, टीचर्स ने इनके साथ जो किया है, तो मैं तो मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इतना माशाल्लाह इन लोगों ने अच्छा किया है। प्लांट्स के हवाले से भी दिन रात ये लोग मेहनत किए, लाते थे हिफाजत से रखना और ये जो चीज़ें बनाई हैं, इवन अपनी यानी कि पॉकेट मनी से भी बहुत सारी चीज़ें टीचर्स ने, बच्चों ने खुद अपनी सब चीज़ें की हैं और पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी, स्टडी भी साथ में कर रहे थे और ये सब चीज़ें भी बना रहे थे। तो मैं तो बहुत मुतमईन हूँ, अल्लाह का करम है। सर ये पूरा साइंस एग्जीबिशन है, साइंस एग्जीबिशन के हवाले से बच्चों ने डिफरेंट साइंस के टॉपिक्स के हवाले से बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, लेकिन जितनी उनसे मेहनत हो सकी उस पर मेहनत में किया है और काफ़ी हद तक चीज़ों को इंफॉर्मेशन दी हैं, इंफॉर्मेटिक है, जैसे सोलर सिस्टम हो गया आपका और इसके अलावा क्या कहते हैं पोल्यूशन के हवाले से, और ये आपकी जो है ना जो भी आपका क्या कहते हैं अर्थ की जो पोल्यूशन वगैरह चली उसके हवाले से बच्चों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया है। साइंस एग्जीबिशन थे एमार्ट हाईवा इलेक्ट्रोलाइज ऑफ वाटर, इनमें पहला करंट पास कबो उन्हें जो साल्ट विजदा से वो उन्होंने ग्रेफाइट चढ़ो। Assalamu alaikum, I am Kanal from class 5B. Our project is parts of plant. There are many types of plant in the wild like flowers, roots. These are the basic parts of plants like flowers, roots, stem, bud and etc. सीईओ इंडस स्कूल ने एकता टीवी को बताते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि हम अपने माशरे में छुपे हुए टैलेंट को निकालें और उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो किसी भी फील्ड में जाकर अपना लोहा मनवा सकें। इंडस स्कूल सिस्टम के मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है, प्लांटेशन डे के हवाले से और साइंस एग्जीबिशन है और बुक फेयर के हवाले से ये प्रोग्राम किया है। मैं कहता हूँ एक किसी भी स्कूल के लिए उनके में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो मुस्तकबल का मेमार हैं, उनके लिए बेहतर है कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो। वैसे तो किताबों में पढ़ाते हैं थ्योरेटिकल होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल जब वो बच्चे करते हैं, खुद अपने हाथ से एक बीज की जो है वो लगाते हैं, जब वो पौधा निकलता है तो उनकी एक खुशी महसूस होती है, उनको एहसास होता है किस तरीके से हमारे वर्कर हमारे हारी काम करते हैं, वो खुद जो उन्होंने ये हाथ से जो चीज़ें बनाई हैं, आपने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, तो उनको एक मना मैं कहता हूँ कि इन क्रिएशन होती है, उनको एक पढ़ने का एक जज्बा होता है, उनको एक चीज़ बनाने की एक जस्तजू होती है, और अब हम आके उन्होंने अप्रिशिएशन उनको दी है तो मैं समझता हूँ इनके लिए एक बहुत अच्छा इकदाम है। इस किस्म की एक्टिविटी स्कूलों में होनी चाहिए और इस स्कूल की इंतज़ामिया को मैं बोलूँगा इस किस्म की एक्टिविटीज़ उनकी होनी चाहिए, तो इससे बच्चों के लिए स्कूल के हवाले से एक अच्छी चीज़ बनेगी और बच्चों में एक टैलेंट जो है वो निकल के बाहर आ जाएगा। कैमरामैन आसिफ फताफी के साथ अयाज बरोही, एकता टीवी कराची। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.